हेलो स्टूडेंट भाई, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मैं आया हूँ और जो इस समय पर ज़्यादातर बच्चों की डिमांड भी है, क्लियर। क्योंकि कहीं ना कहीं अब ऐसा समय है, क्योंकि अब जनवरी आ गया है और आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। आप सब लोगों का, बहुत सारे लोग तो हैं जिनका कंप्लीट हो गया होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका होने वाला होगा। तो सिलेबस 15 दिन में, 10 दिन में या 20 जनवरी तक ऑलमोस्ट आप सब लोगों का ख़त्म हो ही जाएगा, क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है, एक्चुअली बात सिलेबस कंप्लीट होने की नहीं है, बात यह है कि आपको कितना रिवाइज, आपको कितना, आपको रिवाइज हो चुका है, कितना आपको रिवाइज करना है, आपका रिविजन का जो स्टेटस है वो कहाँ पर चल रहा है, मेन चीज़ वो है। मतलब अपना, अब हम ऐसे क्या करें जिससे कि हमारा रिवीजन पूरा हो जाए, जिससे हमारे मार्क्स ज़्यादा स्कोर हो जाए। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो ये है कि व्हाट आर द मेन की पॉइंट्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ जेई, फॉर द सिलेक्शन इन द जेई मेन 2022, क्लियर। तो ये जो वीडियो है वो 2022 वालों के लिए है। अगर आप 2023 में हैं तो उसके साथ भी रिलेट कर सकते हैं हम कुछ पॉइंट्स में। ओके, तो चलिए बात करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट की बात करूँगा तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका रिवीजन बच्चों, क्लियर। भाई आपको रिवीजन करना पड़ेगा, अगर आपने एक बार सिलेबस कर लिया उससे काम नहीं चलेगा। आपने रिवाइज कितना किया है, आपने कोई चैप्टर कितने बार पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, क्लियर। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपका रिवीजन काम आता है जेई मेन के लिए। ओके, आपको वहां जाके सारी चीज़ ना डराइव नहीं करनी है, समझ रहे हो बात को। आपका रिवीजन ऐसा होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन होना चाहिए, फटाफट से आपने देखा और फटाफट से याद आ गया, हाँ हाँ ये तो वो वाला फॉर्मूला है, इसमें तो ये वाली चीज़ लगेगी, वो वाली चीज़ लगेगी। रिवीजन की पावर को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर, अगर मैं बोलूं कि रिवीजन की पावर क्या होती है, तो इनसे बेहतर कौन समझ सकता है रिवीजन की पावर को, ब्रूसली। भाई रिवीजन यानी कि प्रैक्टिस जो की है वो इन्होंने की है, और आप सब लोग जानते ही हैं कि प्रैक्टिस का रिजल्ट जो है इनसे बेहतर तो एग्जाम्पल देने की मेरे ख्याल से जरूरत है नहीं। तो रिवीजन, रिवीजन से जब आप प्रैक्टिस करोगे यानी कि रिवीजन होगा और आप परफेक्ट बन जाओगे, क्लियर। ये है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है, जो रिवीजन करना है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जेई के लिए, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, यानी कि वो जेई मेन में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद से जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए तो हो सकता है कि आपने बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर के क्वेश्चन कर लिया लेकिन जेई मेन तक आप पहुँचे ही नहीं। तो जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो जेई मेन जनरली पूछता है। और ये बात एक टीचर से बेहतर कौन समझ सकता है, जो आपको पढ़ा रहा है वो बहुत अच्छे से इस बात को समझता है कि जेई मेन किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के अंदाजा लगा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपका टाइम लग जाएगा तो आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे मैं अपना क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, और क्रैश कोर्स में मैं सिर्फ वही क्वेश्चंस और वही चीज़ें ले रहा हूँ जो जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, क्लियर। तो बात आगे समझ में, तो पहला पॉइंट इज रिवीजन, कि अपने को रिवीजन करना है, क्लियर। किस तरीके से रिवीजन करना है, कौन से क्वेश्चन लेने हैं, किस तरीके से लेने हैं, उसमें आप प्रीवियस ईयर की हेल्प ले सकते हो या फिर टीचर की हेल्प लो तो वो बेस्ट है उसका, तो मतलब वो सबसे टॉप पर है। ओके, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उनकी हेल्प लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं जैसे कि आपका जो भी है, अब क्योंकि आप जब जनवरी में हो तो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई होगी आपके, या तो पार्ट टेस्ट चल रहे होंगे या फिर फुल सिलेबस टेस्ट चल रहे होंगे, क्लियर। तो अगर आपका पार्ट टेस्ट चल रहा है या फिर फुल सिलेबस टेस्ट चल रहा है, अब आपको क्या करना है यार, हर एक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करो। आपको कोई भी टेस्ट बच्चों इस समय पर आपको छोड़ना नहीं है, आपका कोई भी टेस्ट बचना नहीं चाहिए। भाई टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जिस एग्ज़ाम में आप बैठोगे, क्लियर, जिस एग्ज़ाम में आप जाने वाले हो उसकी प्रिपरेशन यहीं से करो ना। जो फियर है, जो प्रेशर है, क्लियर, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप तभी सीख पाओगे जब आप टेस्ट में दोगे। टेस्ट से कभी भी भागो मत, आपके चाहे कितने भी मार्क्स क्यों ना आए, क्लियर। मार्क्स को तो इम्प्रूव किए जा सकते हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव करो मार्क्स को। अगर आज आपके 40 मार्क्स आ रहे हैं तो कल को 50 भी होंगे, वो 60 होंगे, 80 होंगे, 120 होंगे, 240 होंगे, तो मार्क्स तो धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे। वो तभी तो इम्प्रूव होंगे जब आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे, जब आपको ये पता चलेगा कि मैं यार मेरी कमियाँ क्या हैं। चलिए, ये जो कोचिंग में या जो इंस्टीट्यूट में या जो भी आप टेस्ट दे रहे हो वो आपका इसलिए थोड़ी ना होता है कि आपका उसके एवरेज जाएगा भाई, वो आपका रिफ्लेक्शन होता है फाइनल एग्जाम में, ठीक है ना। तो वहां से जितना भी आप इम्प्रूव करते हो अपने आप को इम्प्रूव करिए, क्लियर। तो एनालिसिस करो, जैसे आप पेपर दे के आए उसके बाद उस पेपर को एनालिसिस करो, अपनी वीक पॉइंट्स को फाइंड करो कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरा कैलकुलस वीक है या मेरा एलजेब्रा वीक है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, तो इन सभी वीक पॉइंट्स को फाइंड करो, इन पर काम करो, क्लियर, ताकि जब फाइनल एग्जाम देने जाओ, जब डी डे वाले दिन यानी कि जब फाइनल जेईई मेन का एग्जाम हो, तब इस तरह की आपसे कोई भी गलती ना हो,
क्लियर है भाई? ओके नाउ उसके बाद मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर द फुल सिलेबस टेस्ट। जब भी आप FST दो, जब भी आपके फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाए, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है अपने टेस्ट देने के लिए। क्लियर? वो ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी कि फिर आप उसको फॉलो करो तो जेई मेन में भी फिर उसी को फॉलो करो आप। क्लियर? मतलब ऐसा नहीं है कि आप बार बार चेंज करते जा रहे हो, चेंज करते जा रहे हो, चेंज करते जा रहे हो, फिर जेई मेन में जाके ऐसे ही बैठ गए और टेस्ट दे दिया। ना भाई, ऐसे नहीं करना है अपने को। आप एक प्रॉपर प्लान बनाइए, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाइए। क्लियर? मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर आप मुझसे बोलो कि सर आप बता दो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, तो मैं बच्चों आपसे क्या बोलूंगा, देखो आपके पास 3 आवर्स है। अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं आपसे बोलूंगा आपके पास 3 आवर्स हैं, अगर मैं इसको 50-50 डिवाइड कर दूं तो 1.3, ठीक है ना, 1.30 यहां पर है आपके पास, ओके, और 1.30 यहां पे। मैंने क्या किया, 50-50 में डिवाइड कर दिया। ओके, बात आ गई समझ में? अब पहला जो 1.5 घंटा है, फर्स्ट हाफ एन आवर है, उसके अंदर आपको सिलेक्शन को एंश्योर करना है कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। फर्स्ट हाफ एन आवर के अंदर, फर्स्ट 1.5 आवर के अंदर आपको सिलेक्शन को इंश्योर करना है कि अब मेरा सिलेक्शन हो गया, यानी कि आपको करीबन करीबन आपको 100 मार्क्स स्कोर करने हैं, 80-100 मार्क्स पे आप पहुंच जाओ। अगर आप इस रेंज में पहुंच जाते हो स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में, और यहां तक पहुंचना बहुत आसान है यार, ऐसे मत समझना कि सर मैं तो 100 मार्क्स टोटली लेके आ रहा हूँ, आप बोल रहे हो 1.5 घंटे में पहुंच जाओ। क्लियर? उसकी बात ही नहीं चल रही है कि आप टोटली 20 नंबर लेके आ रहे हो या 30 नंबर लेके आ रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ कि आपका एम ही 200 है यार, आप तो 200 के लिए बने हो, आप 250 नंबर के लिए बने हो। आप क्यों सोच रहे हो कि आपके दो आपके सिर्फ 40 नंबर 50 नंबर ही आएंगे, वो अभी आ रहे हैं आपके, अभी टाइम है जेई मेन में। आप ये कर सकते हो, जे कर्व समझते हो ना, जे कर्व आ गया भाई, जे कर्व, ठीक है। आप यहाँ आओ, थोड़ी सी मेहनत कर लो, ऊपर पहुंच जाओगे। मतलब जे कर्व समझते हो, ठीक है। जब भी हम किसी बिजनेस की बात करते हैं तो वहां पे बोलते हैं कि अब आपके बिजनेस में जे कर्व आ गया है। जैसे यहाँ पे आए आप, क्लियर, तो ये आपका जे है, जैसे ये देखा है आपने जे होता है, तो आप यहाँ पे आओगे तो अभी आप बेटा यहाँ पे आ चुके हो। अब आप यहाँ पे हार जाओगे ना, यहाँ पे नहीं हारना है अपने को, क्योंकि यहां से आगे तो आपको स्पीड ही पकड़नी थी। अगर आप यहीं पर रुक जाओगे तो कामयाबी की तरफ पहुंच ही नहीं पाओगे। क्लियर? समझ रहे हो बात को? तो समझो इस बात को, आप यहां से चल के इतनी मेहनत करके यहां तक आए हो यार, थोड़ी सी और मेहनत कर लो, थोड़ा सा एफर्ट और लगा लो, क्योंकि अब आप बिल्कुल ऊपर पहुंचने वाले हो, सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो। क्लियर? समझ रहे हो बात को? ये हो गया। तो 1.5 घंटे में आपको क्या करना है, सिलेक्शन इंश्योर करना है कि मेरा सिलेक्शन हो गया। क्लियर? अब अगर ऐसा हो गया कि 1.5 घंटे में आपका सिलेक्शन इंश्योर हो गया, तो बाकी का जो 1.5 घंटा है वो आपके रैंक को इंप्रूव करने के काम आएगा। तो ये जो बाकी का 1.5 घंटा है उसमें आपको क्या करना है, अपनी रैंक को इंप्रूव करना है। क्लियर? इसमें क्या करना है, आपको रैंक को इंप्रूव करना है। अगर देखो ऐसा हो गया, अगर आपको पहले ही 1.5 घंटे में पता चल गया कि आपके 80 मार्क्स आ गए, तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर पहुंच जाएगा कि यार मेरा सिलेक्शन तो हो ही गया। क्लियर? अब मैं कुछ ना कुछ करते करते 1.5 घंटे में कुछ तो कर ही लूंगा, फ्री तो बैठने वाला हूं नहीं मैं यहाँ पे। क्लियर? तो एक तो प्रेश आपका जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, वो सोचो क्या होगा समय पे। क्लियर? प्रेशर जो होगा वो कम होगा, हारने का डर नहीं होगा बिल्कुल भी, तो आप बाकी के 1.5 घंटे में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। क्लियर? और आपका यहाँ पे रैंक क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर? अब ये कैसे करना है वो आप सोचो, आपको पहले फिजिक्स करना है, आपको पहले केमिस्ट्री करना है, या आपको मैथमेटिक्स करना है, ये आप पे छोड़ता हूं मैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आपको पता है कि आप किस सब्जेक्ट के अंदर सबसे कम गलतियां करते हो। आपको ये आइडिया लगाना है, आपको ये सोचना है कि मैं कौन सा पहले उठाऊं और कौन से क्वेश्चन को मैं छोड़ूं, कौन से क्वेश्चन को मैं बाद में आगे करूंगा, क्योंकि जब आप पेपर को देखो, क्लियर, जब आप ऑनलाइन पेपर दो, तो जब आप पेपर को देखो तो जो रेड पॉइंट होता है ना, रेड पॉइंट क्वेश्चन के ऊपर, रेड मतलब होता है जो आपने सॉल्व ही नहीं किया, ग्रीन मतलब होता है जो आपने सॉल्व कर दिया, करेक्ट। क्लियर? ओके, तो आपका ग्रीन जो है वो काफी दिखना चाहिए, रेड वाला पोर्शन बहुत कम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा रेड 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 दिख रहा है, 3-4 क्वेश्चन ही ग्रीन दिख रहा है। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से बना सकते हो। खैर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, पर मेरा ये मानना है कि इस तरीके से रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं, क्लियर, जिन्हें आप 1-1 मिनट में भी कर सकते हो। तो अगर ऐसे कई क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में ढूंढ लिए, ठीक है, सर्च कर लिए पेपर में से कि हाँ ये केमिस्ट्री के अंदर 3 क्वेश्चन है, फिजिक्स के अंदर 3 क्वेश्चन है, मैथ्स के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें मैं 1-1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकता हूँ, और ऐसे आते हैं, हर साल ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो फिर आप इजीली 1.5 घंटे में स्कोर कर पाओगे। क्लियर? समझ रहे हो बात को? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अब देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं, मार्क्स लाना, स्ट्रेटजी बनाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, फर्स्ट चीज़ होती है हार्ड वर्क। आपको खुद से मेहनत करनी है, आपको वर्क करना है, पढ़ाई करनी है, यार उसका कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने कर ली, पेपर एनालिसिस कर दिया, साइड में कर दिया, पेपर दे लिया, लेकिन घर पे आके अगर नहीं पढ़ाई की, अगर इस समय आज के टाइम जहां पर के अब आप पेपर के जस्ट नज़दीक हो, आपको चोटी दिखाई दे रही है,
ठीक है, आप उस चोटी की तरफ ऊपर पहुंच चुके हो, तो अगर यार अब आपने मेहनत नहीं की इस समय पे, तो आप नीचे गिर जाओगे, आप ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, समझ रहे हो बात को। तो ये वो समय आ गया है कि जब आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जेई आने वाला है, क्लियर, जेई बिल्कुल होने वाला है, और यार ये मत सोचना आपके कैंसिल हो जाएगा, जेई तो होगा ही, क्लियर। अगर मार्च के फर्स्ट वीक में नहीं हुआ तो मार्च के लास्ट वीक में हो जाएगा, मार्च के लास्ट वीक में नहीं हुआ तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, कभी ना कभी तो होगा। और जितना समय जा रहा है वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, आप ऐसी हैबिट बनाओ कि आप डेली पढ़ो। तो यार सेल्फ स्टडी करनी है आपको कम से कम 6 घंटे तो करनी करनी है। अब आप सोचोगे, अब आप बोलोगे सर 6 घंटे में क्या होगा, बेटा मैं इफेक्टिव 6 आवर्स की बात कर रहा हूँ, मैं जब भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैं इफेक्टिव 6 आवर्स की बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं बोला कि किताब खोल के बैठ के 6 घंटे के लिए, नोट्स खोल के बैठ के 6 घंटे के लिए और पढ़ लिए, ना 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 भाई, इफेक्टिव 6 आवर्स की स्टडी, मतलब जब आप पढ़ रहे हो तो कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, आपका आउटपुट कितना निकल गया है। ऐसा नहीं करना है बुक खोल के बैठ गए और बुक का पेज खुला हुआ था या जो भी आपके नोट्स थे और ख्यालों में तुम हो मेरे ख्यालों में, तुम कहाँ मैं कहाँ, ठीक है, इस तरह की चीज़ नहीं करनी है। मतलब जब पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, तो 6 घंटे का कम से कम आपको आज के टाइम पे ये निकालना है एक टाइम अपने 24 घंटे में से कि मैं 6 आवर्स की स्टडी कर सकूँ, क्लियर। वो तो वो समय निकालो, किसी भी तरह निकालो, बाकी के सारे काम सेकेंडरी हैं, पहला ये काम है कि मुझे 6 घंटे आज के 24 घंटे में से मेरे 6 घंटे पढ़ने के हो गए, मेरे 7 घंटे सोने के हो गए, बाकी का जो टाइम है अब वो मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ 6 घंटे इफेक्टिव 6 आवर्स, क्लियर। बात आ गई भाई समझ में, क्लियर। देखो एक 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 बड़ी पॉपुलर बुक है, ठीक है, तो उसकी ये एक लाइन है जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द फ्रूट्स यू विल फर्स्ट हैव टू चेंज द रूट्स, ओके, इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द विजिबल यू मस्ट फर्स्ट चेंज द इनविजिबल। अगर आपको फ्रूट को चेंज करना है तो आपको रूट को चेंज करना पड़ेगा, क्लियर, समझ रहे हो। नीम के पेड़ पे आम नहीं लगते साहब, आपको आम लगाना पड़ेगा तभी नीम तभी आपका आम का पेड़ लगाना पड़ेगा तभी आम लगेंगे। अगर अभी आपको आपका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, अगर अभी आपको आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो अगर आपको वो मार्क्स दिखाने हैं, ठीक है, अगर आपको वो स्क्रीन पर लेके आना है कि आपके 300 में से 200 मार्क्स आ गए, 250 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके लिए इनविजिबल जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है उसको चेंज करो, पहले अपने टाइम टेबल को चेंज करो, पढ़ाई करो घर पे बैठ के, समझ रहे हो बात को। ओके, आप लोग अभी सिर्फ फ्रूट की तरफ ध्यान है कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, भाई इनविजिबल को कौन देखेगा, यहाँ साइड में ये जो रॉ में काम हो रहा है यहाँ पे उसको कौन देखेगा। घर पे जाओ, पढ़ाई करो, 6 घंटे कम से कम पढ़ो, पहले इस इनविजिबल को चेंज करो, इसको चेंज कर दिया ना तो ये अपने आप ही चेंज हो जाएगा। बात आ गई समझ में, इस बात को ध्यान रखिएगा आगे जीवन में भी। ओके, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉलो योर मेंटर। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने मेंटर आप जिनको भी मान रहे हो, जिनको भी फॉलो करते आ रहे हो, क्लियर, उनको आप फॉलो करो, अभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जब स्टूडेंट अपनी तरफ से कुछ करता है तो हो सकता है वो सही कर रहा है, ठीक है, या हो सकता है वो गलत कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा वो सही कर रहा है या गलत। लेकिन आपका जो टीचर है, आपका जो मेंटोर है, वो करीबन करीबन पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहा है, क्लियर, तो उसको एक्सपीरियंस है चीज़ों का, उन्हें पता है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, बच्चे को कौन से चैप्टर से पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर से नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा क्या करना चाहिए, समझ रहे हो बात को। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों पर अप्लाई कर चुके हैं, तो जितने भी टीचर्स हैं जो भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट अपने टीचर को फॉलो कर रहा है वो उसी को फॉलो करें, अपने दिमाग से कुछ भी ना लगाएं, ठीक है यार। आप जाके टीचर से बात करो, अगर आपकी भी कोई स्ट्रेटजी है, अगर आपको लगता है कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो बेस्ट है, लेकिन एक बार टीचर से जाके डिस्कस जरूर कर लो आप कि सर मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, क्या ये परफेक्ट है। तो अगर उन्हें कुछ कमी भी लगेगी उसमें तो वो बता देंगे आपको कि हाँ बेटा ये कर लो, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा है जो वो क्लास में आते हैं तो उनका एक दो चैप्टर छूट जाता है या एक दो लेक्चर ही छूट जाता है, क्लियर, फिर वो छूटते हुए जाता है और फिर वो क्या करते हैं, क्लास बंक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि पहले मैं बैकलॉग क्लियर कर देता हूँ, बाद में मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा क्योंकि इसका तो शायद कुछ रिलेशन होगा। अरे पहले टीचर से पूछ तो लो यार, हो सकता है टीचर आपको सिक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाने के बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहा हो, क्या रिलेशन है, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो सीख जाओगे, और अगर आपने करंट टॉपिक छोड़ दिया तो हमेशा ही बैकलॉग रहेगा, समझ रहे हो बात को। तो यही बात है कि आप जो पहले आपने जो सोचा है कि मेरे माइंड में ये आइडिया आया है, तो आप वो सर से जाके डिस्कस करो कि सर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मैं क्या करूं, तो वो आपको बेस्ट गाइड कर पाएंगे कि ऐसा कर लो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, उनके बहुत सारे बच्चे IIT में हैं, समझ रहे हो आप बात को, तो उन्हें एक्सपीरियंस है आपसे ज़्यादा।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत हो, आप सही हो, लेकिन वहां से एक अश्योरेंस तो मिल जाएगा कि हाँ मैं सही हूं, मैंने जो सोचा था वो करेक्ट है। ठीक है, कुछ अच्छी चीज होगी तो टीचर उसमें एड ऑन कर देंगे कि भाई ये करो आप, समझ रहे हो बात को। तो जब भी आप कोई भी काम करो, अब इस समय खासकर इस समय पे, तो आप अपने टीचर को फॉलो करो, अपने मेंटर को प्रॉपर फॉलो करो भाई। क्लियर है? ओके, तो बस यही था आज के लेक्चर में कि आपको किस तरीके से पूरा अपने को शेड्यूल करना है पूरे टाइम को। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको करना है यहाँ पर। क्लियर? रिविजन पे हमने ज्यादा फोकस किया है, टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस किया है। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, मेरा जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसको फॉलो करना चाहते हो, तो आप रात को 8 बजे मैं लेक्चर लेता हूँ डेली, और हम लोग उस क्रैश कोर्स में पूरा मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फ्रॉम बेसिक टू द जेई मेन। ओके, उसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दिए जाते हैं, डीपीपीज भी आपको दी जाती हैं। ओके, और एक परफेक्ट कोर्स है, कुछ भी उसके अंदर छोड़ा नहीं जा रहा है, कंप्लीट थ्योरी प्लस क्वेश्चंस का को क्रैश कोर्स है। ओके, तो आप वो फॉलो कर सकते हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके, चलिए फिर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।